साफ़ी साहब अब बल्ला तो छिन गया है पाकिस्तान तरीके इंसाफ़ से तेरह जनवरी को इलेक्शन कमीशन ने तमाम जमातों को और उम्मीदवारों को निशानात अलॉट करने हैं तब तक तो वक्त है अभी पाकिस्तान तरीके इंसाफ़ के पास तो तब तक आपको लगता है कोई रिलीफ मिल सकता है देखिये चौबीस दिसंबर से तक तो पहले कुछ नहीं हो सकता आज भी जो नए चेयरमैन है गौहर अली ख़ान साहब उन्होंने यही कहा है कि छब्बीस यानी पच्चीस दिसंबर के बाद ही शायद वो पेशावर हाँ कोर्ट से रुजू करने का सोच रहे लेकिन यहाँ पे एक बात दूसरी भी अहम है कि लाहौर हाई कोर्ट ने शायद यही कहा है कि उनकी चुटियाँ नहीं है वहाँ पर तो रुजू किया जा सकता था फौरी तौर पर अब मुझे हैरत है कि पेशावर हाईकोर्ट का इंतबा क्यों किया जा रहा है लेकिन चूंकि वो ख़ुद एक वकील है एक बैरिस्टर है बेहतर जानते होंगे कि पेशावर कोर्ट से उनको शायद ज़्यादा सुनवाई की उम्मीद लाक है या जो उनको एक उम्मीद है वहाँ पे, तो इसलिए वो पेशावर कोर्ट जाना चाहते हैं लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी और अगर रिलीफ नहीं मिला जिस तरह बाकी पार्टिसिपेंट इस बात पे मुतफ़ है कि एक अदालत ही का रास्ता अभी बचता है जिससे पीटीआई को एज ए पोलिटिकल पार्टी और इंतबी निशान बैठ का जो मामला है वो अदालत ही उसका फ़ैसला कर सकती है इलेक्शन कमीशन ने तो अपना फ़ैसला सादिर कर दिया है अब इसका नुकसान कितना होना है वो भी बिल्कुल वाज बात है कि अब हर बंदा मुझे अपने खैबर पुख्तनख्वा सूबे के हवाले से इलम है कि हर हल्के में दो तीन चार उम्मीदवार ऐसे होंगे जो चेयरमैन पी टी आई के उम्मीदवार बनने के हवाले से दावादार हो सकते हैं इसी तरह तकरीबन हर हल्के में ऐसे लोग सामने आ सकते हैं तो ज़ाहिर है इसका, इसका तो नुकसान तो वोट बैंक जो पी टी आई का Exactly यही मैं कह रहा हूँ कि उसमें एक तो जनरल इलेक्शन उसमें भी कन्फ्यूजन हो जाएगी दूसरा ये है कि जो महसूस नशस्तें हैं उसमें भी मसले मसाइल हो जाएंगे आप नामिनेट नहीं कर पाएंगे दूसरा ये है कि अकलीतों की जो नशस्तें हैं उसमें भी आपको प्रॉब्लम्स होंगी ये नहीं नुकसान हर लिहाज से पाकिस्तान तहरीक साब का होगा जो अच्छी बात नहीं है मेरी नज़र में अब देखिए इस वक्त जो सिनारी हमें नज़र आ रहा है कि मुल्क की तमाम रजिस्टर्ड सियासी जमातें एक तरफ और दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान इंसाफ है खैबर पुख्तनख्वा की अगर हम बात करें जो जो वहाँ की बड़ी सियासी जो खिलाड़ी है या जो प्लेयर्स है या जमातें हैं यानी अवामी नेशनल पार्टी जमयतलमा इस्लाम मुस्लिम लीग नून जमात इस्लामी इस कस्म की जितनी भी जमातें हैं वो सब आ, उनकी लीडरों से अगर आप बात करेंगी मरियम तो वो उनका यही इशारा होता है कि उनका असल मुकाबला जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों से है वहाँ पर परवेज़ खत्क साहब का मैंने जानबूझ के इसलिए जिक्र नहीं किया कि अभी तक वो मोमेंटम नहीं बना सके हैं जो पी टी आई के दो अदवार में परवेज़ खत्क का एक मुकाम था इंतबी सियासत में अभी तक हमें बज़ाहिर ज़मीनी हकायक उसके बरक्स नज़र आ रहे हैं इसी तरह पंजाब में भी आप देख रही हैं कि तमाम सियासी जमाते एक तरफ़ पाकिस्तान तहरक इन दूसरी तरफ सिंध में भी यही सूरत हाल है बलुस्तान में भी यही कैफियत है तो ये नुकसान जो है पाकिस्तान तहरक इन को बरह रास्त पहुँच भी रहा है और पहुँचाया भी जा रहा है जो जमूियत की रूह के मुनाफी है मेरी नज़र में और इसमें जाहिर है कि फोरी सरहद दिकानी होगी जो इस वक्त जो बाहर क़्यादत है ब्रिस्टर गौहर जैसे लोग हैं जो हामिद ख़ान साहब लोग हैं लेकिन एक बात हमें एक दूसरी बात जहन में रखनी चाहिए कि ये पहली सियासी जमात नहीं है जिसको इलेक्शन कमीशन ने उनके इंट्रा पार्टी को वाइट किया है या उनको इंतवी निशात देने से इनकार किया पीपल्स पार्टी का तस्करा किया Uh, किया गया यहाँ पे बीएनपी के साथ इस तरह माजी में हो चुका है और इस वक्त भी अवामी नेशनल पार्टी कल से मैं आपके प्रोग्राम में ये बताने की अर्ज़ कर रहा हूँ कोशिश कर रहा हूँ कि अवामी नेशनल पार्टी का भी इसी तरह का ही केस है लेकिन उसके बारे में इलेक्शन कमीशन या सियासी हलके हमें नहीं बता पा रहे कि अवामी नेशनल पार्टी को आए आए आ... क्या उनका इंट्रा पार्टी इलेक्शन को तस्लीम किया गया है लालटेन का निशान उनको अलर्ट किया जा रहा है कि नहीं इस हवाले से अब हम है सिर्फ ज्यादा फोकस जो है वो पाकिस्तान इंसाफ पे है लेकिन और जो है कुछ और थी जिस वजह से बैलेट पेपर पर वो तलवार का निशान छपा बी एन पी की और आपको क्या लगता है मौजूदा सूरत हाल जो बन चुकी है इसमें इलेक्शन की साफ किस हद तक मुदासिर हो सकती है देखे मुतासिर तो बहुत हद तक हो चुकी है अब भी आ, आ, अगर इलेक्शन कमीशन ये चाहता है कि आ, उन आ, के दामन पे लगे लगे दाग अगर साफ आ, करना वो चाहता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा तगो दो करने की ज़रूरत होगी इस तरह जो सतही बयानात है यानी उनका एक प्रेस रिलीज जारी करने से तो लेवल प्लेंग फील्ड नहीं मिलना ना उससे के लिए तो अमली इकदाम की ज़रूरत है उनके बयान से तो कुछ चीज़ें साफ़ नहीं होती जिस तरह आप ख़ुद बता रही हैं ये जो बाकी पैनलिस्ट बता रहे हैं कि कागजात नामजदगी चीने जा रहे हैं और एक पार्टी पहले हम एक माइनस वन की बात कर रहे थे कि एक सियासी लीडर को माइनस किया जा रहा है यहाँ पर तो आपने एक पूरी पोलिटिकल पार्टी को माइनस कर दिया है और पार्टी भी ऐसी कि खैबर पुख्तुनख्वा में दो दफ़ा हुकूमत बनाने वाली पार्टी और वफाक में एक दफ़ा हुकुमरानी करने वाली पार्टी को पूरी पार्टी को आपने निकाल बाहर कर दिया है तो आप किस तरह ये कह सकती है मरियम के इलेक्शन कमीशन का किरदार या जो हमवार सियासी मैदान मैदान फराहम करने का जो एक तासर है हम उसके बारे में किस तरह अच्छी बात कर सकते हैं इसके लिए ज़रूरी यही था वाकई हमवार सियासी मैदान फराहम करने के लिए तमाम सियासी पार्टी बशमूल पाकिस्तान तरीकान इंसाफ को लड़ने का मौका फराहम किया जाता लेकिन अब बजाहिर जब तक अदालत का फैसला नहीं आता और खुद कह रही हैं कि अब अदालत ने ही हर अगर हर फैसला करना है तो फिर सिया, सियासी सेटअप का फिर ये इलेक्शन कमीशन का फिर इतने जो दर्जनों सियासी जमाते हैं इनकी वजूद का फिर क्या फायदा तो साहब साथ आपको क्या लगता है इस स्टेज पर नून लीग के लिए फैसले लेना मुश्किल हो रहा है जी बिल्कुल मुश्किल तो है देखिए असम्बली की सतह पर आई पी पी जो है वो तकरीबन तीन दर्जन सीटों पर एडजस्टमेंट चाहती है यानी तीन दर्जन सीट मांग रही है सूबाई इसम्बली पे कोई पाँच दर्जन के लगभग सीट्स मांग रही है तो ये तो मुस्लिम लीग नून के लिए बिल्कुल आ, आ, मेरे ख्याल में पॉसिबल बात नहीं है आप दो हज़ार अठारह को ले लीजिएगा ना उस वक्त वोट तो हासिल करने वाली सबसे बड़ी जुमात पाकिस्तान तरीक इंसाफ नहीं थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून थी इस वक्त तो हम ये कह रहे हैं कि मवाफ़ हालात हैं मुस्लिम लीग नून के लिए और उस वक्त नामवाफ नौवा, नौ, हालात थे उसके बावजूद पाकिस्तान इंसाफ के मुकाबले में वोट मुस्लिम लीग नून ने ज़्यादा लिए थे तो मुल्क की उस वक्त की सबसे बड़ी जुमात जिसको अवाम ने ज़्यादा वोट दिए थे वो क्यों कर आईपीपी के सामने सरनगु हो जाएंगी और अगर होती भी है तो फिर जो इतने इल्ज़ाम मुस्लिम लीग नून ने अपने सर लिए हैं लंदन प्लान ये वहाँ पे रिटर्न कोई माहे और ये जो मिडिल ईस्ट के इसमें जो है लोग गारंटर बन गए और ये सारी चीज़ें जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब के केसेस के बारे में बात हो रही है ये सारे इल्ज़ाम प्यार आ, मुस्लिम लीग नून के खाते में आएँगे और इसकाम पार्टी जो है वो आराम से जो है पंजाब में इतना बड़ा हिस्सा मांग रही और पंजाब में हिस्सा मांगने का जो है हम सब जानते हैं कि पंजाब ही पे वफाक में हुकूमत बनती है अगर पंजाब में कोई पार्टी अहम पोजीशन हासिल करती है या अक्सरियत हासिल करती है तो मरक़ में उनके लिए आसानी तो क्या बिल्कुल गारंटी ही की बात होती है कि मरक़ में उनकी हुकूमत बन जाती है तो मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून के लिए फैसला करना और जिस तरीके से जो आई पी पी जिस क्वांटम में अपना हिस्सा मांग रही है ये किसी सूरत पॉसिबल नहीं है अगर नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब बड़े दिल का मुजाहरा करते भी है तो उनकी पार्टी के अंदर टूट फूट हो जाएगी पहले से लेकिन उनकी हैरत की बात है, है कि में पाकिस्तान पार्टी क्या सोचकर इतना बड़ा हिस्सा मांग रही है लाइक वो चादर देके पाओ क्यों नहीं फैला रही उन्हें जमीनी हक से, से नहीं है क्या? देखे उनको जमीनी हकायत से भरी तो भास जरूर वाकफियत होनी चाहिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसे की है उन्होंने जो है अपनी जुमात से बगावत की है जो पूरे एक नया सेटअप जो सामने आया है उनको भी ये तो उनको भी ये जो लारे लगाए गए थे उनकी अपने उनके पास गुड रीजन्स होंगे हम इस वक्त आपने जो सवाल उठाया था कि क्या मुस्लिम लीग नून के लिए ये पॉसिबल है तो मेरी नज़र में मुस्लिम लीग नून के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि जिस तदाद में देख सीट एडजस्टमेंट की तारीख को आप उठा के देख लीजिएगा ना मुल्क की सतह पर भी इतनी बड़ी तादाद पर सीट एडजस्टमेंट नहीं होती है और अगर इंतवी इतिहाद होता है तो उस सूरत में मुलगीर सतह पर यह तादाद जो इस्तेकाम पार्टी चाह रही है शायद आ, उसके करीब तक बात चली जाए लेकिन आ, मेरे मुझे नहीं लगता कि मुस्लिम लीग नून को इस वक्त ज़्यादा जरूरत है इस्तेकाम पार्टी की उनको यही मसला है कि उनके पास एक एक सीट के लिए चार चार और पांच -पांच तो आप रहे जरूरत है। को है नून लेकर नहीं है